अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जम्मू कश्मीर हाईवे पर एक बार फिर पुलवामा हमले की तरह ही सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने की नाकाम कोशिश की गई। शनिवार सुबह यहां हाईवे पर एक ब्लास्ट हुआ जो 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले की तरह ही था। इस ब्लास्ट में सेंट्रो कार पूरी तरह से तबाह हो गई। जिस वक्त कार में ब्लास्ट हुआ उसी दौरान हाईवे से सीआरपीएफ का काफिला भी गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि कार ने सीआरपीएफ की एक बस को टक्कर भी मारी जिससे उसे हल्का नुकसान पहुंचा है, लेकिन गनीमत रही कि जवानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। यह ब्लास्ट शनिवार सुबह 10:30 बजे बनिहाल के नजदीक हुआ। जिस सेंट्रो कार में ब्लास्ट हुआ है उसमें 2 सिलेंडर और साथ ही यूरिया और तेल की बोतलें भी रखी थी। बताया जा रहा है कि जैसे ही सीआरपीएफ का काफिला यहां से गुजरा उसी वक्त कार में ब्लास्ट हो गया और उसके परखच्चे उड़ गए। इस कार ब्लास्ट की तस्वीर कुछ वैसी ही है जैसी पुलवामा अटैक में देखने को मिली थी। ये गाड़ी हाईवे पर कौन लेकर आया इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि गाड़ी के ड्राइवर की अभी तक कोई खबर नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। हालांकि अभी तक इस ब्लास्ट को आतंकी घटना नहीं माना गया है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि शायद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ही कार को हाईवे पर लाया गया था। खुफिया एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। रिपोर्ट टैलेंटेड इंडिया।